हम इस वक्त खड़े हैं गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पे और ड्रोन शक्ति कार्यक्रम के तहत हम ड्रोन्स की प्रदर्शनी देख रहे थे और हम इस वक्त हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के काउंटर पे, जो कि देश की अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, जो कि ड्रोन्स के क्षेत्र में बहुत सारा अनुसंधान कर रही है और उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मनोज जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर फिर से। थैंक यू सर। हम अपने पीछे जो ड्रोन देख रहे हैं वो इसकी खासियत बताइए प्लीज़। ये टीदर्ड ड्रोन है। टीदर ड्रोन का मतलब कि ये इसका कंट्रोल सिस्टम ज़मीन पे रहेगा और ये एक केबल के थ्रू ये कनेक्टेड रहेगा ड्रोन से। ड्रोन जो है 10 मीटर 20 मीटर 100 मीटर हाइट तक ऊपर जा सकती है और चूंकि ये केबल से नीचे से कनेक्टेड है तो ये 24/7 ऑपरेट कर सकती है और इसके ऊपर आप पेलोड लगा सकते हैं। जैसे ये वाली जो आप देख रहे हैं ये हेवी ड्यूटी है तो इस पर आप एलेंट इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस या फिर कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस सर्वेलेशन हर तरह का आप पेलोड लगा सकते हैं। यानी कि इसकी पावर सप्लाई लगातार ज़मीन से जारी रहती है और लंबे समय तक आसमान में टिका रह सकता है और ये आसमान से सर्वेलेंस कर सकता है। ना केवल विजुअल सर्वेलेंस करता है, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस भी करता है। ये जो छोटा वाला ये भी टीदर ड्रोन है लेकिन ये इलेक्ट्रो ऑप्टिक सर्वेलेंस के पर्पज से है। इसमें जो है 20 केजी तक है, इसमें 10 केजी तक का पेलोड होता है तो ये बनाया गया है इलेक्ट्रो ऑप्टिक सर्वेलेंस के लिए। ये कहीं से भी जैसे किसी स्टेशन को किसी इम्पोर्टेंट जगह को आपको 5 किलोमीटर दूर तक सर्वेलेंस करना है और कोई आ रहा है तो उसको ट्रैक भी करता रहेगा और हेडक्वार्टर को बताता रहेगा कि कहाँ से कोई आ रहा है, तो ये उस पर्पज से है। और दोनों टीदर्ड हैं इसलिए 24/7 ऑपरेट कर सकते हैं। ये मल्टी डायरेक्शनल है या सिंगल डायरेक्शनल है? नहीं, ये 360 डिग्री है, दोनों 360 डिग्री है जी। मतलब चारों तरफ से ये माहौल की देखभाल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली और वॉच कर सकते हैं दुश्मन कहीं से हाथ हो रहा है। SRUAV अनमैन आर्म व्हीकल, इसके बारे में बताया सर। UAV है और इस पर खासियत जो है ये तो 20,000 फीट तक हाइट तक जाता है, जो मीडियम अल्टीट्यूड जिसको बोलते हैं, और इसमें एंटी टैंक मिसाइल भी फिट होता है। अच्छा, ये DRDO के साथ डेवलप्ड है, ये फ्लाइट ट्रायल जाने के लिए अभी तैयार हो रहा है। यानी कि इसको हम एक छोटा लड़ाकू विमान बोल सकते हैं जिसमें भले इसमें पायलट ना हो। और इसकी रेंज क्या है सर इसकी? ये इसका रेंज तकरीबन 100 किलोमीटर तक का है। और इसकी मिसाइलें कौन सी लगती हैं इसमें? ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, यानी नाक जैसी मिसाइलें इसमें लग सकती हैं। जी 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 जी, बहुत खूब। तो ये भारत की नई ड्रोन शक्ति है जो कि बिना पायलट गंवाए दुश्मन का खात्मा कर सकती है, नाक जैसी मिसाइलें लग सकती हैं, एंटी टैंक मिसाइलें लग सकती हैं। BEL ने डेवलप किया है इसको, इसके लिए हम उनको बहुत बहुत बधाई देंगे और उम्मीद करेंगे कि भविष्य में भी वो ऐसे प्रोडक्ट बनाते रहें देश की सुरक्षा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।